हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब। तो भाई साहब, मेरे को पता है आप सब ठीक हो, और नहीं हो तो हो जाओगे भाई साहब। और मेरे को भी नहीं पता आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। और भाई, 5% लोग हैं जो सिर्फ आखिरी तक देखते हैं। उन 5% लोगों का भी नहीं पता देखते हैं नहीं देखते। और मेरे को पता आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई चैनल को, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सुबह सुबह 5 ही देखो मेरे लिए क्या लेके आए हैं, मेरे लिए तो क्या सब कुछ दिए। देख लो शेर, नाश्ता आ गया भाई साहब। और मम्मी ने भाई दोनों कमरों की साफ सफाई आंगन की भी कर दी, और पानी वगैरह सब भर लिया। अब मम्मी कर रही है, और मम्मी की तो वही तबीयत खराब भाई, कमर में दर्द हो रहा है। काम करने के बाद उठे चेन्नई मम्मी तो देख लो भाई, सारा साफ सफाई कर दी। संडे था ना आज। राम राम भाई, सारे नए उम्मीद करें सब ठीक ठाक हो गए। ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है, बाकी कुछ मैं भी कर दूँ। स्वागत आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो वही टाइम तो हो गया आज 9:45 हो गई, क्योंकि इसके पापा जाने के बाद, इसके पापा 6:35 पे खाना खुना मैंने बना दिया था, फिर मैं वापसी लेट जाऊँ। यो स्कूल जाओ तो भी लेट जाऊँ, 7 बजे तक इसने जगा के, फिर मैं झाड़ू झूड़ नहीं पाया करो। फिर इसके पापा के जाते ही को नहीं पाया झाड़ू झूड़। और वही ये भी मैंने साफ सफाई सारा कर दिया। और भाई साहब, मेरे को पता नहीं था कि आज है संडे, मेरे को लग रहा था स्कूल जाने की, मैं सपने में खो रहा था। तो मम्मी बोली चाय चाय पीनी है, हैं तो मैं कहा दे दो, हैं तो मैं पी ली भाई साहब, नींद आई को नहीं है। फिर मैं सोने की कोशिश करी, फिर बेरा है भाई कद 9 बज गए। ये भी जगाए हैं, मैं कहा उठ लो, 9 बज लिए, फिर 9 के बज लिए। ये तो उठे ही ना 5-7 मिनट हो, 10 मिनट हो। उठते ही मैंने मेरी खाट, 9:30 बजे उठे हो? उठते ही मैंने मेरी खाट, 9:30 बजे उठे भी मैंने। 9:20 पे उठा, 9:20 पे। और वो तो अपना जोत बत्ती कर ली उसने तो उठ के। हाँ, 9:30 बजे लोग शुरुआत करी ही ना। और माँ जी पाजी बैठे आंगन में, क्या राय है माँ जी पाजी की? क्या मिल लो भाई माजी पाजी? राम राम। ये सुबह पार्क में क्या था, प्रोग्राम था? अच्छा, सुबह कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं सारे? 4 बजे? 7:30 बजे ना पार्क में सारे जब वो एक्सरसाइज करते हैं। ये सब करते हैं। ऐसी क्या वजह हुई जो लड्डू जी को 4:50 पे नहलाना पड़ा? वजह ये हुई कि बादाम रखे थे लड्डू को फाल के, तो उनमें आ गई भाई बाड़ू कीड़ी, और बाड़ू कीड़ी से भाई लड्डू को फाल के ऊपर चढ़ गई। और देखी अब है तो अब इमरजेंसी में नहलाना तो पड़ेगा, तो नहला रहे हैं भाई। देख लो, थाली भी आ चुकी है, पानी भी आ चुका है, ड्रेस भी आ चुकी है, और ये रे भाई अंडरवियर, अंडरवियर यहाँ से उतार लेते हैं। खड़े खोटा करा दिया भाई लम्मी। कीड़ी लड़की होंगी भाई, मेरा लड़ी ना मेरे खुद डा तेली पे लग गया है आज। आके के हो रहा से जी, देखी इसका दे बिस तरफ कीड़ी चल रही है, दो के आना पड़ रहा है भी। ये चलेगा अगर किथे है। तो दोस्तों, आपके सामने खुलासा होने जा रहा है, मम्मी ने भाई साहब फर्स्ट टाइम बनाई है बिरयानी। बिरयानी वैसी
वो वाली नहीं गलत बात, उसमें मंगोड़ी। अरे यार यस। तो भाई साहब मम्मी ने शकल भी नहीं देखी और भाई साहब सीटी भी नहीं आई, तब देखेंगे कैसी कुछ बनेगी। दिखा मम्मी, मम्मी ने भी नहीं दिया, हमने किसी ने नहीं देखी भाई चावलों की शकल। सीटी को नहीं आई यार, अच्छा ही सब। ओ माँ गो टुरुला, ये मिर्च क्यों है? साबत गेरी इस बार। मंगोड़ी फिर कम क्यों है? तो मिर्च तो हाँ, इसकी मंगोड़ी मेरे में डाल दिया। तोतला चप्पा पा 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 का उगा। देख लो दोस्तों, पीले कलर की बिरयानी। मम्मी छोटी थाली तो बनी, बड़ी ले ली थाली तो इसे ही मांझ दी ना छोटी में जोड़ा है इसी। मेरा तो सर दुख है सर, फोन थोड़ी मड़ाई मिर्ची भी दियो तो सिर तेरा ही दुख होगा। दही कौन ले? कौन मैं दही गिर के कभी चावल ही कौन खाए और ना खाऊं। तेरा तो मिक्स कर लो। हाँ बस मिर्च मत डालना, मिर्च का कट जाएंगे सब बस। हाँ मंगोड़ी बेसक सब बताने तो सारी की सारी। ये दोस्तों अब मेरे चावलों पे भी मड़ाई आ चुकी, इतनी ही है ये तो एक चम्मच एक। बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, तेन मौज करावा। ना 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 पाँच बजे, छः बजे बेरा कौन भाई तो क्या बज रहे हैं तो मेरे को के बेरा क्यों तूने घड़ी कौन दी दी साढ़े छः घड़ी का टाइम खराब है इसका चल। और वैसे ही किस्मत का टाइम खराब चल रहा है मेरे, किस्मत का टाइम बड़ा खराब चल रहा है नहीं छोड़ रहा क्यों हो। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, आज घर पे बनाया प्रोटीन मेकिंग तो दिखा नहीं सके क्यों भाई काम हो गया था मेरे को भी। कुछ ज़्यादा है ही को नहीं, चने ले आओ बुगड़े बुंदे बुंदाए भाई, मलाई हो रही थी थोड़ी इकट्ठी तो वाह मलाई भी लो दी। वाह भाई मलाई गरम करे पाछे घी बन जा है। हाँ 200 ग्राम बनाया होगा भैया घी भी कौन था। और ये बुगड़े मंगा के और पीस दिए, पीस के ना और उस घी में थोड़ा सा गेहूँ का आटा भून के अरे भी बुगड़े डाल दिए। और ये थोड़े से मतलब ये सेकण की जरूरत को नहीं, ऐसी कैसे का ये हूँ ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना फिर मैं इसमें बूरा डाल दूँगी और फिर एक डब्बा में डाल दूँगी ये खा लेंगे। नू है भाई अपने सुबह स्कूल जाने और वैसे भी सेहत के लिए स्कूल तय जाने से पहले खा लें, जो खाएंगे तो पानी पूनी पियूंगे गर्मी में ज़्यादा और इसमें कोई खर्चा भी कौन लगेगा भैया। अच्छा घी चाहिए एक और कुछ चाहिए यार भाई, जिसने वही बात है वो अपनी श्रद्धानुसार अगर जिस तरह मान लो भाई श्रद्धानुसार नहीं भाई अपने पूंजी अनुसार भाई सब वही बात है कि मैं लगा लो जिस तरह अपनी जेब पे अपने श्रद्धानुसार के रखी जिसकी जेब में जुगाड़ हो वो बादाम काजू और भाई ये अखरोट और किशमिश जो भी कुछ डालना चाहे, किशमिश तो नहीं बादाम अखरोट और काजू और पिस्ता जो भी कुछ पिस्ता भी डालना चाहे हाँ डालो और गोला नारियल कुछ भी डालो, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला भाई, हमने खाली वो कराया चने पीसेस, चने लिया था यो और घी मलाई का कर लिया था फिर मका। अब दोस्तों ये अब सही आटा घी और ये बुगड़े का मिश्रण भाई मिल चुका है इसमें, और अब डाल देंगे इसमें खांड शक्कर जो भी हो खांड। ले दोस्तों बूरा भाई साहब इतना ही था तो ये भाई और लेके आऊँगा दुकान पे जाके। तो चलो भाई हमने बस वही बात है चने तो मंगा लिए
प्लान तो का है सब्जी फिर हाँ। एकदम तो प्लान बन गया मन मलाई यो कटाई तो थाई की भाई साहब ये थोड़ी ये चीज कम करनी है ना तो ठीक है भाई साहब दुकान से मैं ले आता हूँ खांड या बूरा बूरे का पैकेट ले आया भाई साहब खांड भी दुकान से जाके तुम नू ना सोचियो भाई कि मैं अड़े धरा था वही दिखाया है लेके आया हूँ भाई साहब भाई डाल रहे हैं इसमें कैंपर में बर्फ और फूट गई ऐ की कर दिता साहब बोरे का डब्बा फिर भर गया ना खांड का खांड है बुरा मैं कंफ्यूज होता हूँ और जिसमें स्मेल सी आवे ले दोस्तों मम्मी ने बिरयानी वो चावल तो बनाए थे और भाई मम्मी ने अब कढ़ी भी बना दी मम्मी चावल में मंगोड़ी कम थी मेरे को स्वाद को नहीं आवे और इसमें गाड़ियां की तो ले कोनी उबली हुई है ना इसका है कोनी रोटी बना और ले भाई मम्मी ये कौन सा डब्बा धोके आए थे वो दही वाला 5 किलो वाला तो भाई साहब वो सूखे पाछे मम्मी उसमें डाल देगी वो तो भाई साहब उम्मीद करूँ आपने आज का व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक कर दियो शेयर कर दियो सब्सक्राइब कर दियो चैनल पर नए जुड़ो वो जल्दी मिलते हो वैसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए जय श्री राम जय श्री श्याम राधे राधे जय श्री कृष्णा।